हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो ऑपरेशन पोलो तो हम सबने सुना होगा। आज देखते हैं डिटेल में क्या है। 75 ईयर्स अगो, आज से 75 साल पहले, व्हेन द इंडियन आर्मी इंश्योर्ड हैदराबाद बिकेम पार्ट ऑफ यूनियन, जब ऑपरेशन पोलो के थ्रू हैदराबाद को हमने अपने यूनियन का पार्ट बनाया था, तो ये उसी ऑपरेशन की बात हो रही है जो आज से 75 साल पहले हुआ था। तो देखते हैं क्या है इसमें। जस्ट अ सेकेंड। ऑन दिस डे 75 ईयर अगो द इंडियन आर्मी लॉन्च ऑपरेशन पोलो द मिलिट्री एक्शन टू इंटीग्रेट द प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद विद इंडियन यूनियन। बाय सेप्टेम्बर 18, 1948 द फोर्सेज ऑफ द निज़ाम हु हैड बीन डिटर्ड ऑन ज्वाइनिंग इंडिया वर राउटेड। होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये नहीं होते तो आज इंडिया नहीं होता। टर्म द मिलिट्री ऑफेंसिव एज अ पुलिस एक्शन, इन्होंने इसको पुलिस एक्शन बोला था। द बैकग्राउंड क्या था, क्यों हुआ। द हैदराबाद कंसिस्टिंग ऑफ द 17 डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडिंग औरंगाबाद नाउ इन महाराष्ट्र एंड गुलबर्ग नाउ इन कर्नाटका वॉज द रिचेस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स एंड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस। इट्स पॉपुलेशन वॉज मेजोरिटी हिंदू बट इट्स रूलर वर मोस्टली एंटायरली मुस्लिम। इट डिड नॉट हैव द बॉर्डर विथ पाकिस्तान बट निज़ाम मिर ओसाम अली शाह हैड एवरी इंटेंशन टू हैव फ्रेटरनल रिलेशन विद दैट कंट्री डेट इज पाकिस्तान। इन नवंबर 1947 द निज़ाम साइंड अ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट विद इंडिया अंडर विच स्टेटस को वुड बी मेंटेन्ड फॉर अ ईयर एंड द इंडियन गवर्नमेंट वुड नॉट एक्सरसाइज एनी अथॉरिटी ओवर द हैदराबाद। द निज़ाम्स गवर्नमेंट टुक एडवांटेज ऑफ द फुल ऑफ द स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट टू इंक्रीज इट्स इरेगुलर फोर्सेज ऑफ द रजाकर्स विच वर लेड बाय द मेज जनरल एस एल एरडोरोस द अरब कमांडर इन चीफ ऑफ हैदराबाद स्टेट फोर्सेज। द रजाकर्स कमिटेड एक्सेसेस ऑन द ऑर्डिनरी पीपल ऑफ हैदराबाद एंड कैरीड आउट क्रॉस बॉर्डर रेड्स इवन एज ओवरट्यून्स मेड बाय द पाकिस्तान विद इन द इंटेंशन टू एस्टेब्लिश एन इंडिपेंडेंट कंट्री विद इन द हार्ट ऑफ इंडिया। तो ये क्या सोच के कर रहे थे मुझे नहीं पता, चलिए इनकी अपनी सोच होगी, खैर आज ये हमारा पार्ट है। द इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च ऑपरेशन पोलो On September 13, 1948, the forces of the Hyderabad state numbered fewer than 25,000 and only a fraction of them were well trained. By one's estimate, there was no more than two brigades worth of opposition. The Razakars were most of the nuisances whom the Indian troops swatted aside. The boast of Mir Lucky Ali, the Prime Minister of the Hyderabad, that 1 lakh soldiers would meet the challenge of the Indian army proved desperately hollow. मतलब ये कुछ करना चाह रहे थे पर हो नहीं पाया। इंडियन सोल्जर्स है ही ऐसे अपने ऐसे। द इंडियन फोर्सेस वर लेड बाय मेजर जनरल जयंत टू नाथ चौधरी जनरल ऑफिसर कमांडिंग ऑफ 1st आर्मर डिवीजन हु लेटर बिकेम द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। The primary strike was led from the west of the Major General Chauhan's division, aided by the subsidiary and supporting thrust from the north, so south and east of the state. The primary strike by the 1 armored division included 1 horse, less than 1 squadron, and 9 dogra, less than 1 company, and the smashed force comprising of 3 cavalry, 17 horses, and 1 company of 9 dogra. A kill force led by 7 infantry brigade comprised 2 6 1 jindrad and 14 rajpur and 1 squadron and 14 horses. Another component of the west thrust was veer force which comprised 9 infantry. ठीक है, यहाँ पे डिटेल दिए गए आपके इस फोर्सेस में कौन कौन थे। हैदराबाद सरेंडर। द निज़ाम अराउंड अनाउंस्ड सीज फायर ऑन सेप्टेम्बर 17 On September 18, Major General Chaudhry entered Hyderabad city with his force, where Major General L. Edros surrendered to him. Major General Chaudhry was later appointed the military governor of the Hyderabad. Havildar Singh of Two Sikh was awarded the first Ashok Chakra of the independent India. So, वहाँ पे इनको पहला अशोक चक्र मिला था किनको? हवलदार बचितर सिंह, दो सिख थे उनको। ही सेट डाउन हिज लाइफ ही लेट डाउन हिज लाइफ ऑन सेप्टेम्बर 13 वाइल एडवांसिंग ऑन नलदुर्ग विच इज़ नाउ इन महाराष्ट्र। तो देखिए इस आर्टिकल में हमारे लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट हो जाता है मैं आपको बता देता हूँ। जस्ट अ सेकेंड।
सबसे पहले हमारे लिए इम्पोर्टेंट सबसे पहले हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये ऑपरेशन पोलो। ये ऑपरेशन पोलो क्या है आपका। दूसरा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हैदराबाद, अगर आप हिस्ट्री पढ़ो, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ो, तो उसमें हैदराबाद का की रोल आता है, जिसको इस्टेब्लिश किया था निज़ाम ने, जो आए थे कहाँ से, दिल्ली से फ्लड आए थे, 1724 में बनाया गया था, और इसको काव आउट किया गया था आपके मुगल एम्पायर से। और दूसरा इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका अशोक चक्र। देखिए क्वेश्चन अब आ रहे हैं कि हर स्टेट पीसीएस से लेके यूपीएससी से लेके एसएससी में, तो अशोक चक्र पता होना चाहिए क्या है। एंड यहाँ पे हमारे लिए बस इतनी चीज़ें इम्पोर्टेंट हो जाती है। सो थैंक यू एंड बहुत सारा वेलकम टू सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनके वजह से आज यूनाइटेड इंडिया है, नहीं तो जो इंडिया हम लोग आज देख रहे हैं वो हो नहीं पाता। प्लीज़ इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को भी पढ़ा जाए, ध्यान में रखा जाए। एंड थैंक यू वेरी मच एंड वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स। थैंक यू।